हुंडई आई टेन ही 2014 का मॉडल है, ऑटोमेटिक प्लस पेट्रोल प्लस सीएनजी गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है, गाड़ी चल रही 63,000। ओके, गाड़ी का आस्किंग वाइस रखा है 4.25 लाख रुपया। ओके, नेगोशिएट करके 4 लाख रुपए में फाइनल हो जाएगी। ओके, अगर कोई अपना सब्सक्राइबर आता है फिर भी अगर डाउन पेमेंट की बात करूं मैं, मिनिमम क्या डाउन पेमेंट अपने गाड़ी मिल सकती है? 50,000 डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिल जाएगी, मगर कस्टमर का सिविल स्कोर 700 चाहिए मिनिमम। ओके, और अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं मैं फिर भी क्या स्टार्टिंग प्राइस होती है? स्टार्टिंग प्राइस है वैसे, स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए से स्टार्ट है, लाख के अंदर भी मिलेगी नेगोशिएट होने के बाद, थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा। ओके, मतलब लाख के अंदर की बात स्टार्टिंग प्राइस है। तो उसमें 5 सीटर है या 7 सीटर है? 5 सीटर में गाड़ी। ओके, तो अगर 7 सीटर गाड़ियों का रेंज ज्यादा जाता है। ओके, तो अगर किसी को कोई भी कार परचेज करनी है ना, स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा, भाई को कॉन्टेक्ट करो। भाई कॉलिंग टाइमिंग क्या रहेगा? कॉलिंग टाइमिंग है 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। ओके, सिलेरियो का डिटेल बता दो भाई। सिलेरियो 2019 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस सीएनजी सिंगल ओनर, कंपनी फिटिंग सीएनजी में गाड़ी आती, गाड़ी चली 45,000 चली है गाड़ी। फाइनल प्राइस बता दो। सिंगल ओनर गाड़ी है, गाड़ी का आस्किंग वाइस है 4.5 लाख रुपया, नेगोशिएट मान सम्मान करके 4.25 लाख तक आ जाएगी फाइनल। ओके, फोर्ड फिएस्टा का डिटेल बता दो भाई। फिएस्टा 2012-11 का मॉडल है, 11-12 का है। ओके, सिंगल ओनर, सॉरी सेकंड ओनर डीजल गाड़ी है। ओके, गाड़ी का किलोमीटर वाइस ही चलिए 85-90,000 किलोमीटर। फाइनल प्राइस बता दो। ये फाइनल आ जाएगी 2 लाख रुपए में। ओके, अगर कोई अपना सब्सक्राइबर आता है क्या हम इसे 190 में कर सकते हैं? 190-195 कर दूंगा। ओके, तो अगर किसी को फोर्ड फिएस्टा अगर परचेज करनी है ना, स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा। हुंडई एसेंट का डिटेल बता दो भाई। एक्चुअली एसेंट नहीं, ये वेरना है। ओके, सॉरी, ऑटोमेटिक वेरना है 2010 का। ओके, सिंगल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक नहीं। फाइनल ओनर है, गाड़ी का आस्किंग ऑफर वैसे 2.5 लाख रुपए है। ओके, फाइनल आ जाएगी 2,20,000। अगर कोई अपना सब्सक्राइबर आता है तो मिनिमम क्या डाउन पेमेंट खरीद सकता है? एक्चुअली इसके ऊपर लोन नहीं होगा, टोटल कैश पे लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर किसी को वरना परचेस करे लो बजट में, स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा। मारुति इको का डिटेल बता दो भाई। मारुति इको 2015 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस सीएनजी सिंगल, किलोमीटर 80,000 किलोमीटर हुई है गाड़ी। ओके, बॉटम प्राइस गाड़ी है, कंपनी सीएनजी में गाड़ी है, इसका आस्किंग वाइस 3.5 लाख रुपए, नेगोशिएट करके आ जाएगी 3-30 तक। और अगर डाउन पेमेंट की बात करूँ क्या डाउन पेमेंट मिल सकती है? डाउन पेमेंट रहेगा 70-75,000 रहेगा। ओके, तो अगर किसी को कोई भी कार परचेस करनी है ना, स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा, भाई को कॉन्टेक्ट करो। वैगनर का डिटेल बता दो भाई। उसके पहले डिटेल बताने से पहले मेरे को ये बताओ, आपके पास ज्यादा गाड़ियाँ कौन सी होती है? मेरे पास ज्यादा मारुति की गाड़ियाँ रहती है। ओके, मारुति हुंडई मिनिमम 2 गाड़ी का बहुत चलती है मार्केट में। ओके, मारुति में देखा जाएगा तो वैगनर, अल्टो, स्विफ्ट, ये सब गाड़ी का डिमांड ज्यादा है। ओके, अभी डिटेल बता दो। वैगनर 2014 की सिंगल ओनर गाड़ी है, पेट्रोल प्लस सीएनजी सिंगल ओनर, 70,000 गाड़ी चली है। बॉटम प्राइस इसका, बॉटम प्राइस है वैसे 3.5 लाख रुपया, नेगोशिएट करके ये आएगी 3,20,000 रुपए में। ओके, अगर डाउन पेमेंट की बात करूँ क्या डाउन पेमेंट मिल जाएगी? डाउन पेमेंट 50-60,000 तक हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है ना, स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा। वैगनर का डिटेल बता दो भाई। 7517 वैगनर 2013 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस सीएनजी सिंगल ओनर, कंपनी फिटिंग सीएनजी, ये भी गाड़ी 75-70,000 चली है। गाड़ी का आस्किंग वाइस 2,90,000 है, नेगोशिएट करके ये आ जाएगी 2,70,000 रुपए। डाउन पेमेंट की बात करूँ 25,000 डाउन पेमेंट भी मिल सकती है क्या? 25,000 कस्टमर का सिविल अच्छा रहेगा ना तो मैं करके दूंगा, इतना गारंटी में। ओके, अगर लाइक नहीं करेगा तो अच्छे वीडियो को लाइक करो। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा। तो कॉलिंग टाइमिंग बता दें। टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। ओके, हुंडई ईयोन का डिटेल बता दे भाई। सबसे पहले डिटेल बता दे, इसका मेरे को भाई प्राइस एक नंबर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वायरमेंट रहेगा। फाइनल आ जाएगी 1.5 लाख रुपए में। डिटेल बता दो। 2011 का पेट्रोल वेरियंट है, सेकंड ओनर गाड़ी है, प्योर पेट्रोल में गाड़ी है। ओके, गाड़ी का वैसे आस्किंग है 175 का, 1.5 लाख रुपए, उसमें भी मान सम्मान कर लेंगे थोड़ा बहुत, फिर भी कितना हो जाएगा? फाइनल 1,40,000 में दे दूंगा। 1,40,000 में आपको ईयोन नॉन निगोशियेबल है। 1,40,000। अगर डाउन पेमेंट की बात करो हो सकता है लोन होएगा, मगर नहीं लेगा तो बेटर रहेगा। का लोन लेके मतलब नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो 1,40,000 में आपको गाड़ी मिल रही है, तो स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा, भाई को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लीजिए। आई टेन का डिटेल बता दो भाई। आई10 ये 2013 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस सीएनजी सिंगल ओनर गाड़ी है। ओके, गाड़ी का आस्किंग वाइस 2.5 लाख रुपए है, गाड़ी फाइनल ये दे दूंगा 2,20,000 रुपए में। और अगर कोई अपना सब्सक्राइबर आता है इसके ऊपर 2,10,000 कर दो भाभी। 2,10,000 रुपए, चलो दे दिया 2,10,000 रुपए। इसके ऊपर है ना 2,35,000-40,000 का लोन भी हो सकता है, 100% लोन। ओके, मतलब लोन ज्यादा लेके आप पैसे यूज, 100% लोन हो जाएगा। ओके, तो 100% फाइनेंस पे आपको हुंडई आई10 मिल रही है। तो अगर आपको खरीदनी है ना, स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा, आप इंक्वायरी कर सकते हो कॉल करके। पार्क का डिटेल बता दो भाई। पार्क 2009 का है, पेट्रोल प्लस सीएनजी गाड़ी है, सेकंड ओनर है,
गाड़ी का एक्चुअली अभी पासिंग आने वाला है, पासिंग करा के देंगे। बॉटम प्राइस लास्ट टू लास्ट ये आ जाएगी 85,000 में, पासिंग के साथ ट्रांसफर के साथ गाड़ी मिलेगी। ओके, अगर कोई अपना सब्सक्राइबर आता है फिर भी हम उसको फाइनल कितने में दे देंगे गाड़ी वाला? 85 में देने का ऊपर जो मुझे भी इसमें खर्चा है। ओके, उसमें थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपए का मंथ मंथ रख लूंगा। चलो वैगनर का डिटेल बता दो भाई। 2009 का है, पेट्रोल प्लस सीएनजी थर्ड ओनर गाड़ी है। गाड़ी का आस्किंग वैसा है 1,25,000 रुपया। ओके, ये भी फाइनल फाइनल आ जाएगी 90,000। अगर कोई अपना सब्सक्राइबर आता है मिनिमम डाउन पेमेंट होगा कितना? कितना गाड़ी का आईडी है बोले आपने? 2009 का है, पेट्रोल प्लस सीएनजी। ओके, थर्ड ओनर गाड़ी है, गाड़ी हाथ साफ करने के लिए वेल मेंटेन गाड़ी है। ओके, ये गाड़ी आपको 90,000 का मिल रही है। इसके अलावा स्पार्क आपने कितना? 85,000 का ये। ओके, तो 1,00,000 के अंदर दो गाड़ियां है। तो अगर किसी को कोई भी गाड़ी परचेस करनी है ना, भाई को कांटेक्ट करो। भाई एक बार मेरे को ये बताओ, आपके मिनिमम क्या प्राइस रेंज से गाड़ी स्टार्ट? मेरे पास 1,00,000 रुपए से अंदर भी गाड़ी है, 1,00,000 रुपए के ऊपर भी है, 10,00,000 तक भी गाड़ियां है। ओके, और अगर डाउन पेमेंट की बात करो मिनिमम देखा जाएगा तो 50,000 डाउन पेमेंट पे भी, 0 डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी मिल सकती है, और कस्टमर का सिविल अच्छा रहना चाहिए। ओके, तो अगर किसी को कोई भी गाड़ी खरीदनी है ना, फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा, भाई को कॉन्टेक्ट। हुंडई वर्ना का डिटेल बता दो भाई, नंबर तो एक नंबर लग रहा। हुंडई वर्ना MH48 में गाड़ी है, डीजल वेरिएंट है, सिंगल ओनर गाड़ी है। गाड़ी का आस्किंग वैसा 4,00,000 रुपए है, इसमें नेगोशिएट कर देंगे, फाइनल आ जाएगी 3,70,000 रुपए। डाउन पेमेंट की बात करूँ, 50,000 डाउन पेमेंट के ऊपर 50,000 डाउन पेमेंट हो जाएगी। ओके, 50,000 डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिल सकती है। और ये गाड़ी में इनके पास और भी गाड़ी अवेलेबल है, कैमरा घुमा उधर, मजबूत स्टॉक अवेलेबल है। ये उनका बस एक ही बोलते ना आउटलेट है, उसके अलावा और भी इनके आउटलेट है। भाई एक बार आपके आउटलेट की डिटेल्स बता दो, एक बार कैमरा इधर घुमाओ, दोनों के आउटलेट की डिटेल बता दो। दो आउटलेट है पनवेल में, एक है खन्ना कॉलोनी में NP मोटर्स करके। ओके, और एक पलसा फाटा पे गुरु मौली मोटर्स करके आउटलेट है। ओके, उधर भी आइएगा या इधर भी आइए, सेम रेट में दोनों तरफ गाड़ी मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपको और डिटेल अच्छे से जानना है ना, तो स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा, भाई को कांटेक्ट करो, भाई आपको एड्रेस एंड ऑल उसके अलावा गूगल लिंक भी भेजेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बट अगर आपको और अच्छे से चाहिए तो भाई को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लीजिए।